जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। फार्म हेल्थ यूट्यूब चैनल पे एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम विटामिन B12 का जिक्र करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारी विटामिन डी के सप्लीमेंट्स वाली वीडियो के ऊपर एक हमारी फीमेल व्यूअर ने कमेंट किया था और वो पूछ रहे थे कि मैं ऑलमोस्ट 2 से 3 मंथ से जो है विटामिन डी के सप्लीमेंट्स यूज़ कर रही हूँ आफ्टर 15 डेज़ 2 लाख यूनिट्स वाला, तो मुझे बताइए कि मैं मज़ीद कितने देर तक इसको यूज़ करती रहूँ। तो अब वो मैं उनसे ये बात कर रहा था कि ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप किस पर्पज़ के रिगार्डिंग जो है विटामिन डी यूज़ कर रहे थे, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या प्रोग्रेस आपकी, आप कितने डेफिशिएंट थे, कितने हद तक रिकवर हो चुका है, ये फिर सभी चीज़ें जो है उस पर डिपेंड करती हैं। और ये चीज़ आपका आपका फार्मासिस्ट या आपका फिजिशियन जो है वो आपको बेहतर तरीके पे गाइड कर सकता है जिसके पास आपका केस चल रहा है। तो अभी ये डिस्कशन चल ही रही थी कि उन्होंने मुझे बताया कि जी मेरा विटामिन B12 का लेवल जो है ना वो कम है, तो यानी मैंने रियलाइज़ किया कि वो विटामिन डी डेफिशिएंट नहीं है, वो विटामिन B12 डेफिशिएंट है, ठीक है। और वो उन अपनी सिम्टम्स को रिकवर करने के लिए आई डोंट नो के वो प्रिस्क्राइब्ड तरीके से यूज़ कर रहे हैं या खुद से किसी के बताने पर ऐसे, ठीक है, जो है उन्होंने विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर दिए। तो एक्चुअली मैं उनको ये थोड़ा बहुत बता रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि यार इस पर जो है ना एक डिटेल वीडियो बनाई जाए। एक्चुअली हमारी मिसकंसेप्शन कुछ इस तरह से क्रिएट्स होती हैं कि उनकी सिम्टम्स कुछ एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, लाइक विटामिन डी डेफिशिएंसी में आपको खास तौर पे आपके जॉइंट्स में और आपकी जो है बोन्स में पेन होती है और साथ में आपको थकावट फटीग वगैरह जैसी कंडीशंस होती हैं, लेकिन वो एक्चुअल प्रॉब्लम जो हो रहा होता है वो बोन्स डैमेज हो रही आती हैं आपको, और वो मसल्स पेन भी होता है साथ में, जिसको हम रेजोनेट कर देते हैं विटामिन बी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स के साथ, ठीक है। और एक्चुअली इसी केस में भी सेम इसी तरह से था कि डेफिशिएंसी विटामिन B12 की थी और वो सप्लीमेंट्स जो है विटामिन D3 के लिए होते थे। तो खैर जी, इस मिसकंसेप्शन को दूर करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, बिकॉज टाइम थोड़ा और हमने जो है अपना विटामिन बी कवर करना है। आज डी को अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर चुका हूँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से, तो अगर मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप मोर ओवर जो है उनको भी एक दफ़ा विजिट कर लीजिएगा ताकि छोटी छोटी जो कन्फ्यूजन्स हैं मज़ीद क्लियर हो सकें। तो जी, बात कर रहे थे हम विटामिन B12 की। तो इस तरह से है कि जी अधूरे काम मुझे पसंद नहीं। मैं सबसे पहले आपको विटामिन B12 क्या चीज़ है, उसका नाम क्या है हमारी फार्माकोलॉजिकल टर्म्स में, बायोलॉजिकल टर्म्स में, ठीक है, फिर उसकी हमारी बॉडी में फंक्शंस क्या क्या हैं, ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और फिर उनका सोल्यूशन क्या है और उसके सप्लीमेंट्स कौन कौन से यूज़ कराए जाते हैं, क्या क्या प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर उसके इलाज के लिए और किस नाम से हमें मार्केट में अवेलेबल हो जाती हैं मेडिसिन, फिर उनकी प्राइस रेंजेस क्या होती हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये सभी चीज़ें मैं डिस्कस करने लगा हूँ, वीडियो को हमारे साथ कंटिन्यू रखें जी। तो विटामिन B12 को फार्माकोलॉजिकल टर्म्स के अंदर कोबाल्मिन बोला जाता है। अब यहाँ पे एक दो टर्म्स और आ जाती हैं जो कि मैं हमारी आवाम को और स्टूडेंट्स को इवन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देती हैं, लाइक मिथाइल कोबाल्मिन का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, या सियानो कोबाल्मिन का नाम सुना होगा, तो यहाँ पे इंसान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि यार अभी ये क्या नई चीज़ें आ गई हैं, कोबाल्मिन का तो पता था। तो एक्चुअली ये सीन इस तरह से है कि जब हमारे पास ड्रग्स फॉर्म में हमारे पास कोबाल्मिन आना होता है तो वो दो सोर्सेज से आ रहा होता है, एक होती है हमारे नेचुरल सोर्सेज होते हैं, ठीक है, और दूसरा लाइक जो है हमारे केमिकल सोर्सेज होते हैं, जैसा कि कंपनीज जो है जिस तरह से किसी प्रोडक्ट को, किसी भी मेडिसिन को जो है खुद से डिस्पेंस करते हैं या उसे जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं, तो जस्ट ये डिफरेंस है, ठीक है। मिथाइल कोबाल्मिन जो है वो नेचुरल सोर्सेज से लिया गया होगा, जो कोबाल्मिन उसे हम मिथाइल कोबाल्मिन बोलेंगे, ठीक है, और जो है आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया गया होगा उसे हम सियानो कोबाल्मिन बोलेंगे, राइट। अब आगे बात आ जाती है जी हमारी बॉडी में विटामिन B12 का रोल क्या होता है। तो मैं अभी इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होने वाले प्रॉब्लम्स का जिक्र करूंगा, तो आप ऑब्वियसली समझ ही जाएंगे कि हमारी बॉडी में इसका रोल क्या था, जो कि इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमारे मामला जो गड़बड़ हो रहे हैं, तो यानी ये इसका रोल था, राइट। तो जी अब बात कर लेते हैं अब इसकी वजह से होने वाले प्रॉब्लम्स की। तो जी उसमें मैं सबसे पहले बात करूँ तो आपको मसल वीकनेस सबसे फर्स्ट और मोस्ट कॉमन चीज़ आ जाती है, उसके बाद दूसरे नंबर पे नमनेस आ जाती है। नमनेस लाइक आपकी बॉडी की कुछ एरिया की, लाइक एक बाजू की सेंसेशन टेम्परेरीली ख़त्म हो गई है, ठीक है, उसे हम नमनेस बोलते हैं, जिसे हम पंजाबी उर्दू में बोलते हैं कि यार बाजू या टांग का सुन हो जाना, ठीक है, या उस पर नीडल जैसी आपको फीलिंग होना कि जिसे नीडल चुभ रही होती है, इस तरह से उसे नमनेस बोला जाता है। उसके अलावा जी वेट लूज़, ग्रेजुअली आप अपना वज़न कम कर रहे होते हैं, खो रहे होते हैं, ठीक है, वेट लूज़ भी इसकी डेफिशिएंसी की वजह से एक मसला हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा टेम्परेरीली आपको नोज़िया की फीलिंग आ सकती है, नोज़िया मीन मतली की फीलिंग आ सकती है, ऐसा लग रहा होता है कि जैसे हमें कह आने वाली है, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
उसके अलावा इरेटेबिलिटी, ठीक है, लाइक मूड स्विंग्स भी कह सकते हैं, लेकिन वो एक ज़रा और चीज़ हो जाती है, ठीक है। इरेटेबिलिटी में आप इसे नाम दें उर्दू में तो जैसे चिड़चिड़ापन वाली कैफियत होती है, इंसान मतलब चिड़चिड़ा हुआ होता है, ठीक है, उसे कोई बुलाए नहीं, उसे ये होता है कि यार मेरे से कोई बात ना करे या मुझे कुछ समझ नहीं रहा, ठीक है, इस तरह से उसकी फीलिंग हुई होती है। इसके अलावा और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लाइक एंगजाइटी और स्ट्रेस वगैरह, इस तरह के आंसर जो है उस पेशेंट में पैदा होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके अलावा एक्सट्रीम लेवल की थकावट आप कह सकते हैं, ठीक है, फटीग, यानी कि वो इंसान अपनी लो एनर्जी फील कर रहा होता है, उसे वो लग रहा होता है मेरी यार जिस्म में जान नहीं है, ठीक है। उसके अलावा बॉडी में चलते फिरने से मतलब हर टाइम वो बंदा आप देखेंगे उसे कि मतलब वो कभी अपने बाजू दबा रहा है, कभी अपनी टांगें दबा रहा है, मतलब बहुत स्वेर हद तक जो है मसल वीकनेस हो जाती है, उसकी वजह से ऑब्वियसली न्यूरोपैथिक पेन जो है उसका एहसास होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक हो गई जी इसकी सिम्टम्स की बात के B12 की डेफिशिएंसी से हमें क्या क्या मसाइल पेश आते हैं हमारी बॉडी में। अब बात कर लेते हैं जी इसके ट्रीटमेंट के हवाले से, जो है हमारे यहाँ क्या प्रिस्क्राइब किया जाता है न्यूट्रिशनिस्ट की तरफ से या फिजिशियंस की तरफ से। तो जी उसमें मोस्टली यही देखा गया है कि विटामिन बी डेफिशिएंट पेशेंट्स को विटामिन बी कम्प्लेक्स के सप्लीमेंट्स ही यूज़ कराए जाते रहे अभी तक, ठीक है, लाइक बेविडॉक्स एक टैबलेट मार्केट में बहुत ज़्यादा मशहूर है एबिट कंपनी से, जिस तरह आप लोगों ने सर्बेक्स जी मोस्टली लोगों ने देखी हुई होगी या घर में किसी ने यूज़ की होगी, सर्बेक्स जी मल्टीविटामिन टैबलेट है, A to Z मल्टीविटामिन सब उसी में होते हैं, सेम उसी तरह की उसकी पैकिंग होती है, उसी कंपनी की जो है मेडिसिन है बेविडॉक्स, ठीक है, उसमें बी कम्प्लेक्स होता है, ठीक है, पहले अभी तक वही यूज़ कराई जाती रही, अभी कुछ साल पहले ही जो है हमारी खास तौर पर ये जो न्यूट्रास्यूटिकल्स कंपनी है, कंपनीज जो कि अच्छा कर रही हैं अभी हालिया दिनों में, उनकी काविशों की वजह से जनाब ज़रा और चार चांद लग गए इसको कि जी B12 ज़रा अलहदा से आना स्टार्ट हो गया। उससे पहले भी आ रहा था काफ़ी देर पहले भी, लाइक आपने मेथिकोबाल टैबलेट का नाम सुना होगा, ठीक है, हिल्टन से आ रही थी, ठीक है, 500 mcg में, उसके अलावा उसके बाद मीकोजिन SL, ठीक है, मीकोबाल, न्यूकोबाल, बहुत सारी इस तरह से मदर ब्रांड्स हैं, मेबिल है सामी की, ठीक है, ये यूज़ होती थी। लेकिन अगर आप ट्रेंड को फॉलो करते हुए ज़रा वाकई ज़रा सप्लीमेंट वाले माहौल में से लेना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा लाइक न्यूट्रीफैक्टर की हमारे पास B12 अवेलेबल है, ठीक है, आई थिंक उसकी 60 टैबलेट्स की पैकिंग, मैं आपसे स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूँगा उनके प्राइजेस के हवाले से, उनकी जो है 60 टैबलेट्स की पैकिंग जो है वो ऑलमोस्ट 850 के अराउंड अभी प्राइस चल रही थी उसकी, ठीक है, बाकी ऊपर नीचे होती रहती हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क आता रहता है, उसे इग्नोर कर दीजिएगा आप लोग। बाकी उसके अलावा जी मेथिकोबाल का ज़रा ज़्यादा कॉमनली चलती है, इसकी मैं प्राइस डिस्कस कर दूँ वो ऑलमोस्ट 225-230 या 260 तक जो है एक स्ट्रिप हो सकती है, यानी कि 10 टैबलेट्स की प्राइस, राइट। उसके अलावा मीकोजिन SL है, वो सब लिंगुअल टैबलेट है, यानी अपने उसको ज़ुबान के नीचे रखना होता है, बाकियों को अभी तक कुछ इतना ज़्यादा अवेयर नहीं किया गया कि बाकी ये चूस के खाने वाली कुछ होती हैं, कुछ औरली आप नॉर्मली इंटेक कर सकते हैं जैसे बाकी मेडिसिन लेते, ठीक है। उसके अलावा भी अगर आप न्यूट्रास्यूटिकल की ही बात करें तो उसके अलावा आपको नेचर्स बाउंटी की आपको B12 मिल जाती है, ठीक है, उसकी प्राइस जो है ऑलमोस्ट 36 से 4000 के अराउंड है, ठीक है। उसके अलावा न्यूट्रेक्सिन एक जो है हमारे पास टर्किश कंपनी है, ठीक है, उसके सप्लीमेंट्स भी बहुत ज़्यादा इनकी नस्बत जैसे न्यूट्रीफैक्टर वगैरह इनकी नस्बत काफ़ी अच्छे हैं, लाइक उनमें आपको साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल कम देखने को मिलते हैं, कुछ मल्टीविटामिंस के साथ हमें ऐसे पार्टिकल्स मिल जाते हैं जो कि हमें बाद में तंग करते हैं थोड़ा बहुत, बेशक उनकी रिफाइनिंग काफ़ी अच्छी होती है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आ जाता है, लेकिन इन्होंने इस तरह के गैर ज़रूरी चीज़ें वगैरह ग्लूटेन पे मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगा कि यार इनमें मतलब मल्टीविटामिंस की कंपनी है, ठीक है, सभी मल्टीविटामिंस बना रहे हैं तो फिर इतना प्राइस में इतना फ़र्क क्यों आ जाता है, क्या चीज़ों का डिफरेंस होता है, ये फिर कभी डिस्कस करेंगे गलत चीज़ें। अब ज़रा इसके सस्ते हल की तरफ भी आ जाएँ, कोई बंदा मेरे जैसा गरीब भी होता है तो उसमें मैं आपको रेकमेंड करूँगा जी न्यूरोबेन टैबलेट का, आपने नाम सुना होगा, वो एक्चुअली है तो कम्प्लेक्स ही, उसमें मेरे ख्याल से B2, B4, B6 और B12 वगैरह हैं, ठीक है, उनमें एडिशनल चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी लेकिन आप उसमें मैं क्वान्टिटी वेरीफाई करा देता हूँ आपको कि उसमें 1000 mcg या 500 mcg अगर B12 है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो जी उसकी स्ट्रिप आपको अभी कुछ दिन पहले का मेरा जो आइडिया है वो तकरीबन 40-45 या 60-50 रुपये के करीब उसका एक स्ट्रिप होगा 10 टैबलेट्स का, ठीक है। चलिए जी इसी के साथ हमारा टॉपिक भी हो जाता है कंप्लीट, मुझे लगता है कि यार जो बंदा ये वीडियो पूरी देख लेगा ना वो कहीं पे भी जाके विटामिन B12 पे अच्छी खासी प्रेजेंटेशन दे सकता है, ठीक है, जितना मैं कर चुका था अभी तो मेरा यकीन मानो ज़ुबान भी खुश्क हो रही है, ठीक है। मज़ीद अगर मैंने कोई चीज़ मिस की है या कोई मैं कमी पेशी कर गया हूँ किसी चीज़ में, आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, ठीक है, तो ज़रूर उसे जो है कमेंट बॉक्स में हमारे साथ डिस्कस करें। उसके अलावा अगर आप हमें अपनी कीमती आरा से नवाजना चाहते हों तो अभी लाजमी हमसे शेयर कीजिएगा, और बाकी ये कि
वीडियोस प्रॉपर आती रहेंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन अभी आपके भाई ने ज़रा ना वो कटिंग कराई थी ना भाई, उम्रे पे गए हुए थे तो मेरा मतलब घर वालों ने पकड़ के टिंड शिंड करवा दी थी ना, तो वो अभी फिर चेहरा इतना प्यारा लग रहा है कि मैं मतलब पब्लिक के सामने नहीं आ सकता। तो इंशाल्लाह रेगुलर वीडियोज़ आती रहेंगी यार, टेंशन नहीं लेनी। मसरूफियात थी, कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह इधर वगैरह और चल रहे थे मसले मसाइल, तो इंशाल्लाह होती रहेगी मुलाकात। तब मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।